मगर शुरुआत में करना चाहूंगा शाहीन बाग की माओ से। शाहीन बाग की माओ को बदनाम करने के साथ मगर भारतीय जनता पार्टी का घटिया प्रोपेगेंडा आपके खिलाफ चलाया जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर भारतीय जनता पार्टी के विवादास्पद और अनाप शनाप बकने वाले प्रवक्ता संबित पात्रा, जिन्होंने ये कहा है कि 500-500 रुपए में शाहीन बाग की माओ को लाया जा रहा, शाहीन बाग की माओ को लाया जा रहा, क्योंकि बीजेपी का जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, बीजेपी का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है, बीजेपी का आईटी सेल जो है, जिस तरीके से, और इसका जवाब मुझे देने का जरूरत है ही नहीं, अमित मालवीय जिस तरीके से एक फेक वीडियो बना के जो पब्लिक के सामने लाता है, जो कुणाल कानवाल इंडिया टुडे का जो खुद उसे पूछता है कि आप साबित करके दिखाए ये वीडियो शाहीन बाग का है और ये वीडियो शाहीन बाग की औरत 500 रुपये लेके बैठती है, तो इसका जवाब जो है कोई आप स्पेसिफिक इंसान का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। ये पार्टी झूठी है, ये पार्टी फेक है। पैसा जा रहा है उनको, क्यों ले रहा है? घर पे जाओ, खाना वाना बना करके आ जाओ, जो घर पे ना सो यहाँ बैठो 500 रुपए ले जाओ, क्या दिक्कत आ रही है? पैसा कमा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, एक एक साल के बच्चे को लेके बैठे हैं, पैसे मिलते 500 रुपए ने। दिल्ली के शाहीन बाग में लगभग एक महीने से महिलाएं CAA और NRC के खिलाफ धरने पर बैठी हैं, जिसमें कुछ के साथ तो उनके एक एक साल के दूध मुहे बच्चे भी शामिल हैं। इन महिलाओं का कहना है कि नागरिकता को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले संविधान के खिलाफ हैं, इसलिए वो नागरिकता को लेकर कोई भी प्रमाण पत्र नहीं दिखाएंगी। इन लोगों की मांग है कि सरकार नागरिकता संशोधन कानून को तत्काल प्रभाव से वापस ले, नहीं तो ये प्रदर्शन यूं ही उग्र रूप से निरंतर जारी रहेगा। मगर इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर शेयर हो रहा है। वीडियो में किसी की शक्ल तो ठीक से नहीं दिख रही, पर इसमें दो लोग आपस में बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि शाहीन बाग में महिलाओं को धरने पर बैठने के लिए 500-500 रुपए दिए जा रहे हैं और इन औरतों की बाकायदा शिफ्ट भी लगती है। हम अपने घरों में काम वालियों को 500 से 1000 रुपए डेली दे के अपने काम करवाते हैं। हम 500 के लिए यहाँ बैठेंगे 34 दिनों से? वो कितने 5000 चाहिए उनसे? 500 की बात छोड़ो, हम रोज उनको देंगे, उनकी औरतें आके यहाँ बैठा करें। मगर आपके खिलाफ पूरी दुनिया है, मीडिया आपको बदनाम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का IT सेल आपको बदनाम कर रहा है। और जानते हैं सबसे शर्मनाक बात क्या है? भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल ने एक ट्रेंड हैशटैग जो है वो ट्रेंड करवाया कल ट्विटर में, और जानते हैं वो क्या कह रहा था? शाहीन बाग की बिकाऊ औरतें। अगर आप ये कहते ना कि बिकाऊ प्रदर्शनकारी तो बात समझ आती, आप ये भी कह देते बिकाऊ शाहीन बाग तो समझ आता, मगर आपने बिकाऊ औरतें कहा है। तो है, लेकिन जो इतने लोग बैठे हैं, देखिए एक महीना हो गया है, जब दिल्ली का टेम्परेचर बहुत कम था, जैसे माइनस मतलब 1 और 2 टाइम बहुत ठंड थी, इसे आप देखिए 118 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है सर्दी का, उतनी ठंड में औरतें बैठी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके, क्योंकि उनके अंदर एक डर था, क्योंकि जब डर होता है ना तभी कोई इतना बैठ सकता है। मान लीजिए 500 रुपए लेके कोई बैठेगा तो कितने दिन बैठेगा? बिल्कुल, मैं इसी सवाल ही ना, कोई बैठ सकता है? मुझे बताइए, कोई बैठ सकता है एक महीना? कोई नहीं बैठ सकता। मतलब आप इस आरोप, ये जो आरोप लगा है सोशल मीडिया पर कल ही कि 500-700 रुपए लेकर महिलाएं यहाँ पर आती हैं, मुफ्त का खाना पीना मिलता है और तमाम चीजें, इस पर भी हम यहाँ की महिलाओं की जान, इनकी राय जानते हैं। मेरा नाम सबीला है, और ये सब जो झूठ बोला जा रहा है कि 500 रुपए या 1000 रुपए, बस हम इसलिए बैठेंगे ये CA NRC और ये क्या क्या लाया काला कानून, ये हट जाए बस, और कुछ नहीं। बाकी इससे ज्यादा सर्दी हो गर्मी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बैठे रहेंगे। ये जो अब कह रहे हैं एक महीने बाद ही ये क्यों आया कि 500 रुपए दे के बिठाया जा रहा है? ये हम अपने घरों में काम वालियों को 500 से 1000 रुपए डेली दे के अपने काम करवाते हैं। हम 500 के लिए यहाँ बैठेंगे 34 दिनों से? वो कितने 5000 चाहिए उनसे? 500 की बात छोड़ो, हम रोज उनको देंगे, उनकी औरतें आके यहाँ बैठा करें। क्या इस आंदोलन को खत्म होना चाहिए या जारी रहना चाहिए जब तक मांगे नहीं मानी? देखिए, ये आंदोलन नहीं है, ये जन आक्रोश है। हाँ। ये गुस्सा है, ये जो आंदोलन होते हैं वो आंदोलन खत्म हो जाते हैं। गुस्सा तब तक नहीं खत्म होगा जब तक ये बिल वापस नहीं लेंगे। और हम लोगों ने, सिख कम्युनिटी ने पहल की है, हम सिख कम्युनिटी ने एक मन बनाया था कि ये अपनी बहनों के लिए हम लोग यहाँ पे लंगर का इंतजाम करेंगे, और आप पीछे आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर लंगर का स्टॉल लगा दिया हमारा अपना। यहाँ पर हम लोग आलू पूड़ी की सब्जी बना रहे हैं और हर दिन हम लोग मेनू चेंज करते हैं। जब तक इनका प्रोटेस्ट चलेगा बहनों का, हम भाइयों का लंगर चलेगा। बहनें हमारी प्रोटेस्ट करेंगी, इनको घर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो आरोप लग रहे हैं कि पैसे लेकर लोग यहाँ बैठ रहे हैं, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आरोप तो लगेंगे। देखिए, जब एक अच्छा काम होता है तो उसके पीछे जो है उसकी परछाई भी चलती है। जब आप शैडो देखेंगे, शैडो चलती है, और अच्छाई बुराई सब एक साथ चलती है। ये अपने पर्दा नशीब बहनें हैं हमारी, मैं बहुत इज्जत करता हूँ इन बहनों की। आज ये बहनें अगर बाहर निकली हैं ना अपने 50 साल, 30 साल, 60 साल,
पर्दे में रही है 60-60 साल 50-50 साल पर्दे में रही है, आज इन्हें बाहर रोड पे आके बैठना पड़ रहा है, क्या कारण है? जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी अपना नाखून तक किसी को नहीं देखने दिया, आज वो बहने वहाँ रोड के ऊपर बैठी पड़ी हैं। ये वही बहने हैं जो 70 साल से इस देश को सींच रही हैं, अपने खून पसीने से इस देश को सींच रही हैं। आज जो वजीर जो बैठे हैं ना इस कुर्सी के ऊपर, आजादी में इन बहनों का पूरा योगदान रहा है, इनका नहीं रहा तो इनके माँ बाप का रहा होगा। ऐसे नहीं कि इनके योगदान के बिना ये देश आजाद हो गया तो इनको कुर्सियां मिल गई आज ये बैठ गए हैं। तो इनको देखना चाहिए कि अगर ये बहनें एक महीने से बैठी हैं और पूरे देश के अंदर अगर ये आंदोलन हो रहा है तो इस अगर बिल के अंदर कोई कमी है तो इसको वापस ले लेना चाहिए। इस देश का कण कण, इस देश का जन जन, संपूर्ण जनमानस सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह वाह वाह, आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब तक व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग भेजने की सुविधा है तब तक आपको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ।